मानसून की विदाई के बीच अल्मोड़ा के रानी धारा रोड में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। मलबा आने से लोगों के घरों में मिट्टी का ढेर लग गया है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि रानी धारा मोहल्ले के ऊपर सड़कों के अवैध कटान के कारण बारिश होने से लगातार मलबा गिर रहा है, इससे दर्जनों मकान पर खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी की नाराजगी को देखते हुए पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा है और मलबे को साफ करने का कार्य शुरू किया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, एक पैटर्न और देखा जा रहा है कि बरसात के समय में कुछ लोग अपना साल भर का जो निर्माण सामग्री है, विशेष तौर पर मिट्टी है, वो रोक के रखते हैं और यह भी संज्ञान में आया है कि भारी बरसात में उसको ढलान बचाने के लिए बहा दिया जा रहा है। पालिका द्वारा पालिका की लोगों से अपील भी है कि ऐसे लोगों के संबंध में हमको सूचना दें, उनका नाम जो है गोपनीय रखा गया जाएगा। ऐसे लोग यदि चिन्हित होते तो उनके विरुद्ध हम वसूली की कार्रवाई भी करेंगे। जितना भी हमको मलबा उठाने में हमारा जो पैसा लगता है, संबंधित से हम लोग वसूल। देखिए, दिक्कत ही दिक्कत है। आज से 2 महीने पहले भी आप सामने जैसे देख सकते हैं, ये नाला बहता हुआ लोगों के घरों में पानी घुस हुआ था। उसके बाद हमारा प्रशासन, नगर पालिका यहाँ पर पहुँचती है और केवल नाले को साफ, ये नाले को साफ करके यहाँ से चले जाती है। उसके बावजूद फिर ये मिट्टी आती है। पिछले भी बोर्ड बैठक का हमारे द्वारा यहाँ पर को बहिष्कार किया गया था। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुरंत इसको ठीक करवा दिया जाएगा। बीच में ये लगभग 21 अक्टूबर 2021 को भी पहली बार यहाँ पर को जो है ऊपर से मलबा आया हुआ था, जो हिरणगुरी टॉप है, जहाँ पर को एक SSB का मैच भी है और एक वहाँ पर को एक किसी का अपना 30 नाली का प्लॉट है, वहाँ से 21 अक्टूबर 2021 को भी ये आपदा आई।